Hey guys, welcome to Commerce Parshala. I hope you guys are doing well. And today we are going to talk about a very important topic from BCOG 171 Principles of Microeconomics. So, abhi jo aap screen pe dekh pa rahe ho, these are the notes that we have prepared for the December examination, and we are 100% sure that at least 70-80% exam questions will come from these notes. So if anybody is interested in buying these notes, agar kisi ko ye notes khareedne hain, to aap humse khareed sakte hain just at ₹200 for per paper for BCom ki main baat kar raha hu, ye BCom ka subject hai, right? So we have already sold like a number of copies actually. Bahut sare students ne already le liya hai. और अगर आपको भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू सिक्योर द बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. एंड टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स अबाउट द व्हाट डू यू मीन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ द फोर मेन फैक्टर्स. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके पहले मैंने आपको सारी चीजें बता दी है हमारे नोट्स के बारे में, अगर आपको चाहिए. साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको असाइनमेंट्स आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, 15th अक्टूबर इज द लास्ट डेट. इफ यू नीड द असाइनमेंट्स वी कैन प्रोवाइड इट टू यू, वो भी आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ यू विल गेट द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एज वेल ऑफ ईच सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट आप परचेस करोगे उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल बाय द नोट्स, राइट. एंड राइट नाउ हम लोग फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा भी अगर आपको इग्नो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अगर आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है जो है आपको परेशान कर रहा है, आपको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा, यू कैन आस्क मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू विल आस्क मी. एंड या सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो कि एक प्रोडक्शन करने में आपके लिए यूजफुल होती हैं, या वो सारी चीजें जिसके बगैर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं, है ना, उनको कहते हैं फैक्टर्स, है ना. अगर एक चीज भी मिसिंग हो तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे, राइट. मतलब ये प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड दोज फोर और फाइव चीजें जो जिसके बगैर आप कर नहीं सकते. देखो बेसिक इकोनॉमिक्स जो हम लोगों ने 11th 12th में स्टडी किया है एनसीईआरटी में, देयर आर फाइव फैक्टर्स. यहाँ पे फोर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं फोर ही आपको बताऊंगा, बट एक और है वो भी मैं आपको बोनस बताता चलूंगा जब मैं आपको ये करवाऊंगा. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब हो गया वो सारी चीजें जो इस्तेमाल में लाई जाती है जब आप किसी प्रोडक्ट को या गुड्स को या सर्विसेज को जब भी आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, आप देते हैं किसी और को, तो वो चीजें आपको चाहिए होती है. सर्विसेज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, क्योंकि वहां पे लैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती. मैं चारों फैक्टर्स के बारे में की करके आपको बताऊंगा, तो लैंड उसमें वन ऑफ द फैक्टर है. सो सर्विसेज के केस में लैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कहीं तो आपको सर्विसेज को भी प्रोड्यूस करना होगा, राइट. तो जिस जगह पे आप प्रोड्यूस करोगे वहां पे आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी. तो लैंड इज वन ऑफ द बेरियर मेन फैक्टर्स व्हिच इज नीडेड टू यू नो प्रोड्यूस एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पे देख लो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज और इनपुट. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिसोर्सेज होते हैं या इनपुट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिनका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में किया जाता है. इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे चार मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे भी वही बात बोली गई. सबसे पहला है लैंड, है ना, जगह. जिस जगह पे आप सामान को बनाओगे वो जगह ऑटोमेटिक तो आपके पास नहीं आ जाएगा. सपोज आपकी फैक्ट्री है, आप कोई मशीन बनाते हो, है ना, या सपोज आप ईंट की फैक्ट्री, आप ईंटे बनाते हो, कुछ भी अगर आप बना रहे हो, तो आपको उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको लैंड चाहिए होगा, राइट. तो वो लैंड आपको जो मिलेगा वो आपको, हालांकि वो गवर्नमेंट से मिल सकता है, आप लीज पे ले सकते हो, या फिर वो आपका अपना लैंड भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, बट लैंड आपको चाहिए होगा, है ना. सो लैंड इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर आप बोल सकते हो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से. सो दिस इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन. इसमें सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, चाहे वो लैंड इटसेल्फ हो, वहां पे अगर जंगल है, अगर आपको लकड़ियों की आवश्यकता है तो आप जंगल से ले सकते हो, क्योंकि वो लैंड आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हो. अगर कोई जमीन है, सॉरी अगर कोई पानी है, पानी का व्यवस्था अगर आपकी जमीन में है तो आप वहां पे उस पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो. मिनरल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, रॉ मटेरियल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब उस लैंड में वो जितनी भी सारी चीजें होंगी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो है अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, राइट. सो इट इज पैसिव. अब जैसे मैं अगर एक लैंड के टुकड़े की बात करूँ जहाँ पे धान की खेती होती है, तो जो आप धान को प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, उसके लिए आपको लैंड चाहिए, तो वहां पे आप लैंड का इस्तेमाल कर रहे हो. उसमें आपको पानी चाहिए, पानी तो ऑटोमेटिक आएगा नहीं, आपको नहर बना करके फिर उसके अंदर डालना पड़ेगा. सो यू नो लैंड में वो सारी चीजें हो जाती हैं, राइट. सो इट इज अ पैसिव फैक्टर बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल. यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात बोली गई कि ये एक पैसिव फैक्टर है, ये एक पैसिव फैक्टर है बिकॉज ये कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकता
विदाउट द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल. अगर आपके पास लेबर नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो लैंड आपके पास रख करके भी आप उसके ऊपर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. राइट, अब अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब करते हो और आपके पास अच्छा खासा लैंड है और अब वो फर्टाइल लैंड है, वहां पे कुछ भी उगाया जा सकता है, तो उस केस में आप खुद से तो जाकर के खेती नहीं कर सकते ना, आपको लेबर चाहिए होगा, आपको कैपिटल चाहिए होगा. राइट, सो उसी तरह से आप अगर फैक्ट्री भी लगाएंगे तो फैक्ट्री के केस में भी सेम चीजें हैं, लेबर और कैपिटल आपको चाहिए ही होगा. राइट, सो ये चीजें आपको जो है चाहिए होती है. दूसरा पॉइंट है लेबर. सो दिस रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन बोथ फिजिकल एंड मेंटल. इट एनकंपसेस मतलब होता है कि जो ह्यूमन एफर्ट आप डालते हो किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो आपको चाहिए होता है. जो मेंटल लगाते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, जो फिजिकल करते हैं वो इनफील्ड काम करते हैं, है ना, तो लेबर उन्हीं को कहते हैं. ओके, सो इट एनकंपासेस द वर्क, ये एनकंपास करता है वो सारी चीजों को जो जो काम लोगों द्वारा की जाती है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में. लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन. लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, बगैर इसके कुछ हो ही नहीं सकता. तो लेबर एक एक्टिव फैक्टर है बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन, बिकॉज ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, बगैर इसके आप कर ही नहीं सकते. लैंड तो चलो आपका नहीं है तो आपने लीज पे ले लिया, पर लेबर तो भाई आपको लगेगा, बगैर लेबर के आप काम कर ही नहीं पाओगे. राइट, तीसरा है कैपिटल. सो कैपिटल का ज्यादा महत्व इसलिए भी है बिकॉज कैपिटल अगर आपके पास नहीं होगा तो ना ही आप लैंड ले पाओगे, ना ही आप लेबर ले पाओगे, क्योंकि लेबर को भी पैसे देने होते हैं, फ्री में तो वो काम करेगा नहीं, तो कैपिटल आपको चाहिए होगा भाई. सो दिस इंक्लूड्स ऑल मेन मैन मेड टूल्स, है ना, यहाँ पे वो सारी चीजें आ जाएंगी जो मैन मेड टूल्स हैं. मैं यहाँ पे धान की खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो फैक्ट्री की बात की जा रही है. अगर आप फैक्ट्री आप लगा रहे हो तो आपके आपको मशीनें लेनी होंगी, है ना, तो जितने भी मैन मेड टूल्स हैं, मशीनरी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा. जो पैसे बिजनेस में इन्फ्यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं. ये बात तो आपको मालूम होगी आई होप. सो कैपिटल का मतलब वही है, बिजनेस में जो चीजें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैनमेड टूल्स हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीजें जो कि आपके प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में, आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें आपको खरीदनी होंगी और उसको खरीदने के पैसे आपको कैपिटल आएंगे. सो कैपिटल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. इट इंक्लूड्स कवर्स, इट ऑल्सो कवर्स फाइनेंशियल कैपिटल. यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जा रही है. यूज इन परचेस इनपुट्स. कैपिटल इनहांसेस प्रोडक्टिविटी बट अ रिजल्ट ऑफ पास्ट लेबर. ठीक है, कैपिटल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ आपको लेबर भी चाहिए होगा, है ना. कैपिटल के जरिए आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेबर भी चाहिए होगा. चौथा पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इसके बगैर आप सोच नहीं पाओगे. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप रिस्क ले रहे हो, आपको नहीं पता कि जो काम आप कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपको उसका आउटपुट क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आपको दिखने वाला है, आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, डजंट मतलब ये चीजें मैटर करती हैं. एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही वही है कि आप इन चीजों को थोड़ा भाप करके समझ करके आप जो है अपने काम को कर रहे हैं. सो दिस इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये एक एबिलिटी है जहाँ पे आप सब सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे आप इन सब के हेल्प के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, इनोवेट करते हैं एंड मेक डिसीजंस लेते हैं दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, उनको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, जो उनका बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सके. दे कंबाइन लैंड लेबर एंड कैपिटल इन प्रॉफिटेबल वेज. उनके पास जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो, उनको वो सही तरीके से इस्तेमाल करके बिजनेस को अपना प्रॉफिटेबल बनाते हैं. राइट, सो दीज वेर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो ईच फैक्टर प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हर एक फैक्टर का अपना अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर क्वेश्चन का ए नंबर अभी आपको बताया है, जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके फोर फैक्टर्स भी एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. एंड यस, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, इफ एनीबॉडी वांट्स इट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101063. यू कैन गेट द नंबर एट यू नो आवर डिस्क्रिप्शन एज वेल. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ इफ यू वॉन्ट टू बाय इट इन अ हरी, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है. हालांकि अभी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, आई डोंट नो कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट स्टिल अगर आप एग्जाम को लेकर के हैं थोड़े से इंटरेस्टेड, you can definitely buy it and just call me to get these notes. Okay, thank you so much. Bye.